₹6 का ब्रेड एंड बटर, ₹50 की बटर चिकन कड़ी और ₹60 की चिकन तंदूरी और साथ ही साथ ₹40 की फिश कड़ी। ये मेन्यू है देश की संसद भवन में सांसदों को मिलने वाले सब्सिडी वाले खाने की। दरअसल आज हम आपको ये मेन्यू इसलिए बता रहे हैं क्योंकि संसद भवन में सांसदों को सब्सिडी के साथ मिलने वाला सस्ता खाना अब नहीं मिलेगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि संसद की कैंटीन में सांसदों को भोजन पर दी जाने वाली सब्सिडी अब बंद हो गई है। आपको बता दें कि संसद भवन में सांसदों को मिलने वाले सस्ते खाने को लेकर कई बार सवाल उठते रहे हैं, जिसको लेकर लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सभी दलों के सदस्यों ने एक राय बनाते हुए इसे खत्म करने पर सहमति जताई है। कमेटी के इस फैसले के बाद अब कैंटीन में मिलने वाला खाना तय दामों पर ही मिलेगा और सांसदों को अब खाने की लागत के हिसाब से ही भुगतान करना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार संसद की कैंटीन को सालाना करीब 17 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाती थी, जो अब इस फैसले के बाद खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही 29 जनवरी से शुरू होने जा रहे संसद के बजट सत्र को लेकर जानकारी देते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि 29 जनवरी से संसद की कार्यवाही सुबह 9 बजे से दोपहर के 2 बजे तक होगी। लोकसभा की कार्यवाही शाम के 4 बजे से रात के 8 बजे तक होगी। कोरोना के खतरे को ध्यान में रखते हुए एहतियातन सांसदों के आवास के नजदीक भी उनके RT-PCR COVID-19 टेस्ट किए जाने के प्रबंध किए गए हैं। इसके साथ ही संसद परिसर में 27 से 28 जनवरी को RT-PCR जांच की जाएगी। उसमें सांसदों के परिवार कर्मचारियों की RT-PCR जांच के भी प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र राज्यों द्वारा निर्धारित की गई टीकाकरण अभियान नीति सांसदों पर भी लागू होगी। संसद सत्र के दौरान पूर्व निर्धारित 1 घंटे के प्रश्नकाल की भी अनुमति रहेगी। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।